मैंने अभी आपके सामने हदीस पाक बयान की, मोमिन की विरासत से डरो, वो नूर की आंख से देखती। अल्लाह वालों की विरासत से डरो, वो नूर की आंख से देखता है। इंसान जब अल्लाह वालों के सामने आकर के बैठ जाता है, अल्लाह ताला ने उसे वो ताकत अता फरमाई है, आंख बंद करके पूरा तेरा अहवाल पढ़ लेता। आंख बंद करके, कोई तो कहते हैं आंख खोल के देख, आंख खोल के देखते, कहते उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब आंखों को बंद भी करते हैं और जो सामने बैठा है उसकी तरफ भी नहीं देखते, आंखों को बंद भी करते हैं और जो सामने बैठा है उसकी तरफ भी नहीं देखते, आंखों को बंद करने के बाद अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। अपने आप को देखने का मतलब क्या है मालूम है? क्योंकि उनकी दिल की आंख खुल गई होती है, दिल की आंख खुल गई होती है। जब बंदा सामने आकर के बैठता है, जब आंख दिल की खुल जाती है, अल्लाह ताला दिल को आईना बना देता है, दिल को आईना बना देता है। अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जो बंदा मेरे सामने आकर के बैठा है वो आईने की तरफ आकर के बैठा है। मैं बंदे की तरफ क्यों देखूं? जिस आईने की तरफ बैठा है उस आईने को देख लेता है तो आईने में मालूम पड़ता है, क्योंकि आईना जो होता है जिसके सामने जो बंदा जाता है वो वैसा ही नजर आता है। अगर उसके जिस्म के उसके चेहरे पर कोई दाग होता है तो आईना बता देता है, अगर चेहरा खराब है तो आईना बता देता है। तो अल्लाह वाले जब भी देखते हैं खुद की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते। अल्लाह ताला ने उनका दिल जो है वो आईना बना दिया।